मेरठ के जगदम्बा हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजन ने आरोप लगाया कि जगदम्बा हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों की ऑक्सीजन आपूर्ति कम की, गलत इंजेक्शन देकर मारने का भी लगाया आरोप। आपको बता दें, दिल्ली के रहने वाले माया जायसवाल को मेरठ के जगदम्बा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जबकि वे कोरोना नेगेटिव था। और जब जगदम्बा हॉस्पिटल में पहुंचे तो उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने माया जायसवाल की बेटी करिश्मा जायसवाल से काउंटर पर 20,000 रुपये जमा करा लिए। इतना ही नहीं, लगातार अस्पताल प्रबंधन के कर्मचारी भी लगातार उनसे पैसे की मांग करते रहे। आपके हॉस्पिटल में हंगामा हुआ है गलत इंजेक्शन लगाने के लिए? ये पेशेंट बहुत सीरियस था, चेस्ट में इन्फेक्शन था, दिल्ली से यहाँ आया था, इसको दिल्ली में कहीं जगह नहीं मिली, ये हमने इसको भर्ती कर लिया और भर्ती करके हमने इसका इलाज करा। हमने इसको सब चीज़ लिखित में ले रखी है कि तेरा मरीज बचने वाला नहीं है, कहीं और ले जा। दो दिन बाद हमने कहा, ये पैरों में पड़ गया कि मुझे यहीं इलाज करो, है ना। 20,000 मात्र जमा करे इसने, उसके बाद इसको लगा कि पैसे का बिल मेरा ज़्यादा हो जाएगा, दवाइयों का बिल ज़्यादा हो जाएगा, इसने पैसे ना देने की वजह से ये सारा हंगामा करा। नहीं, इनकी बेटी को आरोप है कि हमारे डॉक्टरों ने मारपीट भी की है। मारपीट का एविडेंस दिखा दो, कोई मारपीट करता है? कोई डॉक्टर अस्पताल वाला कोई मारपीट करता? हम लोग यहाँ वैसी इतनी बुरी बीमारी से झेल रहे हैं, इतनी बुरी समय चल रहा है पूरे देश में, हम उसके बीच में काम कर रहे हैं। कोविड के समय में 24-24 घंटे हम और हमारी बेटी, बच्चा हमारा बेटा है, वो भी डॉक्टर है, सब हम लगे हुए हैं केवल इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। और ये उसका रिजल्ट ये निकलता, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उन्हें पैसे न देने पड़ते, एक रुपया अस्पताल का नहीं दिया, ये कितनी बड़ी बात है। दवाई के पैसे नहीं दिए, मांगोगे तो पिटोगे। मेरा नाम राजकुमार जायसवाल। राजकुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर, दिल्ली का रहने वाला, लक्ष्मी नगर। मेरठ कैसे आए थे? मेरठ आए थे कि हम मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में अपनी बेसिस को लेकर ऑक्सीजन और सिलेंडर लेके हम वहाँ पहुँचे थे। उसके लेने के बाद वहाँ एक एम्बुलेंस वाला यहाँ से गया हुआ था, तो बोला भाई साहब मैं आप परेशान क्यों हो रहे हो, हम उसकी नहीं, हमारी गाड़ी के ऑक्सीजन खत्म हो गई, उसकी गाड़ी में थी, यहाँ से भर कर गया था। तो उनने बोला कि ऑक्सीजन मेरी गाड़ी में है, आप चलो, आप मेरे चल दोगे? मैंने चल देंगे। मैंने भी हम दिल्ली जा रहे थे, मेरठ कहाँ जाएंगे भाई, मेरठ मैंने मिल जाएगा? कह रहा पक्का कंफर्म आपको कमरा मिलेगा। मैंने देख लिया भाई, अभी चल रहे हैं, मैं मेरठ जा रहे हैं। कह रहे नहीं, उन्होंने हमें लेके यहाँ आ गया 3:30 बजे। 3:30 बजे यहाँ दलाल खड़ा था कोई, उसने हमें से अंदर लूट कर दिया। हमें चाहिए थे ICU ऑक्सीजन, उस चक्कर हम यहाँ आ गए। रात से दूसरे बोला, हमने कहा हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव GTV हॉस्पिटल की सरकारी मोर को देख करते हैं, ये गलत रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट है। फिर इन्होंने 3,000 रुपये लिए पॉजिटिव, उसको फिर पॉजिटिव बना दिया। आज ये हंगामा हुआ कि रात के टाइम कल इन्होंने फिर हमें परेशान करना। मेरी बीवी, मेरा नाम करिश्मा है, इन्होंने बदतमीजी करी मेरे, तुम मेरी माँ को मार दियो, मेरी माँ मरी है, आज मेरे पे हाथ उठा रहे मेरी मम्मी को मार दिया इन्होंने। जीता जी इंजेक्शन गलत लगाई है रात को इन्होंने, हमें भगाना चाहते थे, ऐसे भगाना चाहते थे कि मेरी माँ को ही मार दिया। आपकी मम्मी को क्या तकलीफ हुई थी? उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ा इंजेक्शन हो गया था, हम लाए थे, इन्होंने बोलते कोरोना पॉजिटिव है। 2-3 दिन इन्होंने रखा, उसके बाद से 4 दिन हमें तंग करना शुरू कर दिया कि आप लोग अपने पेशेंट को लेकर निकल जाओ। हमने कहा हम पेशेंट कहाँ लेके जाएंगे, हम मेरठ में नए आए हैं, हम कुछ नहीं जानते। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मेरी माँ मार दी, गलत इंजेक्शन दे दिया मेरी मम्मी को। अब हम इनके ऊपर केस कर रहे हैं, तो ये हाथ उठा रहे हैं, लड़का इनका आदमी, इनका कोई है, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं इनके पास, गलत पेशेंट, ज्यादा पेशेंट भरते रहते पैसों के लिए, नया ऑक्सीजन होता है इनपे। मेरी मम्मी को मार दिया, भाई मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं लोग, हमारे परिवार को। ऊपर से देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।